हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज दिन है थर्सडे यानी बृहस्पतिवार और सुबह के 7 बज रहे होंगे, क्योंकि 7:30 तक मुझे ये नाश्ता तैयार करना है बच्चों के लिए। सम्राट विराट का स्कूल 8 बजे से रहता है, तो 7:30 तक बना देते हैं ना, तो इसके बाद फिर इन लोगों को रेडी करते हैं, क्योंकि अपने आप से तो ये हो नहीं पाते हैं, इनके पीछे पीछे लगना पड़ता है कि जल्दी करो जल्दी करो। और अभी आज क्या, सुबह सुबह जब मैंने आलू उबालने के लिए रखा था तो गैस ख़त्म हो गई थी। वो तो अच्छा था कि गैस रखी थी भरी हुई पहले से, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली थी। तो यहाँ पे मैं आलू को बहुत सिंपल तरीके से फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ डाल देंगे ना तो फिर पता लगेगा विराटू नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सरसों के दाने से पहले तड़का लगाया था, फिर प्याज डाल दिए थे, फिर आलू डाला और इसके साथ ही मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया था ताकि कलर थोड़ा सा अच्छा दिखे, और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च मैंने डाली है। वैसे तो हरी मिर्च ज़्यादा अच्छी लगती है ऐसे आलू में, लेकिन विराट नहीं खाते हैं। और ये देखिए, धनिया की पत्ती मैंने पहले ही डाल दी है। डाल करके भूनेंगे ना तो पत्ती भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगी और मिल जाएगी, तो विराट फिर छांटने नहीं पाएंगे, नहीं तो फिर वो क्या करेंगे ना, धनिया की पत्ती बिन बिन के बाहर कर देते हैं। तो देख लीजिए, लाइट इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है कि कुछ पता नहीं है कितनी समय आए कितनी समय जाए। और मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियो देखी ना, सब लोग कह रहे हैं कि लाइट की बहुत ज़्यादा त्राई त्राई मची है, कहीं भी लाइट नहीं आ रही है सही से, पता नहीं क्या हो गया लाइट वालों को। जितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है तेज़ी से, उतनी ही कटौती चल रही है लाइट की, और लाइट के ना आने से उसका सीधा प्रभाव मेरे ऊपर पड़ता है। एक तो मोबाइल में बैठी नहीं रहती, दूसरा कहीं उजाला नहीं रहता है, तो वीडियो सही से क्लियर नहीं बन पाती है। तो यहाँ पर ये जो मैंने चीला बनाया ना, ये सूजी का चीला है। मैंने एक कटोरी सूजी ली थी और उसमें 2 चम्मच मैंने गेहूं का आटा डाला था, और बस ये सिंपल सही नमक डाल के मैंने इसे तैयार कर लिया था। प्रॉपर नहीं दिखा पाई हूँ, क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि लाइट की वजह से सारा कुछ चल रहा है, मतलब पूरा सिस्टम डावाडोल है। तो ये थोड़ा सा डोसा स्टाइल में है, लेकिन डोसा नहीं है क्योंकि मैंने हल्का सा मोटा रखा है, क्योंकि गिनती से बच्चे ले जाते हैं, फिर मुझे लगा कि बिल्कुल पतला रहेगा ना तो फिर आलू आलू सिर्फ खाएंगे, ये तो कुछ रहेगा ही नहीं, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा रखा है। और ये जो मैंने मसाला तैयार किया है आलू का ना, ये बीच में मैंने रख के इसको फोल्ड कर दिया है। और आलू वाले मसाले में शायद मैं बताना भूल गई थी, थोड़ा सा मैंने चाट मसाला भी डाला था ताकि उसका स्वाद थोड़ा सा अच्छा हो जाए। और यहाँ पे मैंने बीज से कट कर लिया, क्योंकि मुझे टिफ़िन में भी देना है ना इसे, तो इसी वजह से मैंने इसको बीज से कट कर लिया। ऐसे सीधा सीधा तो आएगा नहीं, सम्राट के टिफ़िन में तो चाहे आ भी जाए, विराट का टिफ़िन थोड़ा सा छोटा है ना, तो उनके के में नहीं आएगा। और आप हमेशा देखते होंगे जब मैं कुछ बनाती हूँ तो सबसे पहला जो खाना होता है वो गौ माता के लिए निकलता है। तो आज जब मैं इसे बना रही थी तो पहला वाला जो चीला था उसको मैंने निकाल के एक प्लेट में रख दिया था, और फिर मुझे लगा कि अगर मैं देने जा रही हूँ पीछे तो मुझे फिर गैस बंद करना पड़ेगा, तवा फिर ठंडा हो जाएगा, फिर गर्म करना पड़ेगा। तो मैंने विराट से कहा कि जाओ इसको गौ माता को दे दो, अगर उनको ना दे पाओ तो अपनी लक्ष्मी को दे आना। तो ये कुछ नहीं किए, ना गौ माता को दिए हैं ना लक्ष्मी को दिए हैं, ये बैठ के आंगन में खुद से ही पूरा खा डाले। मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि ये बहुत गंदी आदत है, लेकिन शायद वो सुन नहीं पाया, कह रहा था मम्मी मैंने सुना नहीं कि आपने गौ माता के लिए दिया है, मुझे लगा कि आपने मेरे लिए दिया है तभी हम खा लिए। और ये हमारे सम्राट महाराज, इनका क्या कहें हम क्या करें, कहते कहते थक गए हैं कि जल्दी खाना खाना सीख लो, लेकिन इनको बस धीरे धीरे ही खाना है। इतनी तकलीफ देते हैं अपने दांतों को कि पेट में जाके पाचन तंत्र को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मुंह से ही पच के जाता है। बहुत चबा चबा के खाते हैं, बहुत लेट में खाते हैं। ये जान लीजिए कि डेली जब खाना बनता है तो सबसे पहली थाली मम्मी के लिए निकलती है और उसके बाद ये ले जाते हैं, और ये जान लीजिए कि सबसे लास्ट में हम खाना खाते हैं रोटी बनाने के बाद में, मतलब रोटी बनती है ना तो फिर तुरंत मेरे यहाँ खाना पीना चालू हो जाता है, और हम खा लेते हैं, बर्तन पहुँच जाते हैं धुलने की जगह पर, लेकिन इनका खाना ख़त्म नहीं होता है। फिर मुझे मजबूरी में इसको डांटना पड़ता है कि जल्दी खा लो, नहीं तुम्हारी थाली अभी बाद तक रखी रह जाएगी, सारे बर्तन धुल के आ जाएंगे किचन में। लेकिन ये अपनी आदत नहीं सुधार रहा है। और यहाँ पे खटिया पड़ी रहती है ना सुबह सुबह, तो झाड़ू नहीं लग पाता है,
तो अभी जा रहे थे कपड़े डालने के लिए, तो फिर सोचा कि अगर यहाँ बाद में झाड़ू लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है और फिर गीले कपड़ों में बिल्कुल चिपक जाती है कपड़ों के साथ में, तो पहले झाड़ू लगा के तो कपड़े डाल रहे हैं। और अभी पूरे घर की ऐसी तैसी मची हुई है, देखना अभी तो यहाँ सफाई किए हैं, पूरा आंगन फैला था। जब सुबह सुबह काम में लगो ना तो पहले तो रहता है कि किचन का काम ख़त्म करो, फिर जैसे ही घर से बच्चे जाते हैं हस्बैंड जाते हैं तो लगता है कि सब जगह कबाड़ कबाड़ फैला है। और ये सारे कपड़े कल के धुले रखे थे, सब कल शाम को धुले थे तो सब ऐसे ही पड़े थे, कल सूखे नहीं थे। और बाद में मुझे इन कपड़ों में प्रेस करना है, तो अभी मोड़ के यहीं पर रखा रहने देंगे, जब लाइट आएगी तब अंदर ले चलेंगे। और अभी बच्चे तो है नहीं कि ये टेंशन रहे कि ये लोग कपड़े इधर उधर फेंक देंगे, तो खाट पे ही मैंने रख दिया है। और अभी किचन का हाल देखो, बना कुछ भी नहीं है और ऐसा लग रहा है बहुत सारे व्यंजन तैयार किए गए हैं, तो अब इसकी सफाई करनी है। और आलू उबले रखे हैं, थोड़ी सी दाल अभी बनाएंगे और उसके साथ में ही आलू फ्राई कर लेंगे, तो दाल चावल रोटी सब्जी हो जाएगी। तो यहाँ की सफाई करने के बाद अभी उधर आंगन का भी देखना है क्या हाल है, मतलब एक एक जगह की सफाई धीरे धीरे करके कंप्लीट कर रहे हैं। तो ऊपर मैंने साफ कर लिया है, साथ में ही अब नीचे झाड़ू लगा लेंगे। अब क्या है, सिर्फ खाना बनाना है और खाना थोड़ा सा लेट बनाएंगे, मम्मी गई हैं सुहागले खाने, मेरे यहाँ तो इसे दुदरैया कहते हैं, सबके यहाँ अलग अलग होता है, लेकिन सुहागले कहने से मुझे लगता सब लोग समझ जाते हैं, जिसमें लाई गुड़ चना ये सारा कुछ दिया जाता है ना वही। तो ज़्यादातर ये जो सुहागले खिलाए जाते हैं वो बृहस्पतिवार को ही खिलाया जाता है, यानी थर्सडे को, बाकी के दिन भी अगर किसी का कोई स्पेशल डे है तो भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये मोस्टली इसी दिन खिलाया जाता है। तो यहाँ पर भी थोड़े से कपड़े रखे हैं, इनको धुलेंगे, थोड़े बर्तन हैं, और ये मट्ठा वाला मटका था तो इसे भी धुल के मैंने रख दिया सूखने के लिए, क्योंकि शाम को इसमें दूध जमाना है। चार पाँच दिन से हम बराबर मट्ठा या दही खा रहे हैं, सब्जी नहीं खा रहे ना दाल खा रहे, क्योंकि मन ही नहीं करता, पता नहीं क्यों आलू से तो जैसे नफरत हो गई है, तो मम्मी दही निकाल देती थोड़ा सा मेरे लिए, दही और उसमें जीरा नमक डाल के खाते हैं, उससे पेट को भी फायदा होता है, साथ में मुझे अच्छा भी लग रहा है। आज क्या हो गया विराट, स्कूल से आए देखो इनका क्या हुआ है, कुछ आपको चेंज नजर आया विराट, देखो इधर जरा सा है विराट, गाड़ी बनाए, गाड़ी बनाए हो, घड़ी बनाए हो या गाड़ी बनाए हो, घड़ी, और इनकी घड़ी में 15 बज रहे हैं, सबकी घड़ी में 12 बजता है, इनकी घड़ी में 15 बज रहे हैं, ये बड़ा गोला बनाए, बड़ा गोला बनाने से क्या उसमें 20 बजेंगे क्या, इधर देखो मुंह दिखाओ अपना, इतनी बड़ी घड़ी बनाते हैं, इधर देखो इनका दांत स्कूल में निकल गया, इनको पता भी नहीं चला, ये देखो खिड़की खुल गई है, खिड़की खुल गई है, मक्खी आएंगी और जाएंगी, अंदर तक मत दिखाओ सिर्फ दांत दिखाना है। तो इतने दिनों से विराट का दांत हिल रहा था, आज वो निकला है, मैं सोच रही थी घर में अगर निकलेगा तो सबसे पहला दांत जो निकलता है उसको मेरे यहाँ चूहे के बिल में डाला जाता है, ताकि चूहे जैसे छोटे छोटे दांत निकले, लेकिन वो तो स्कूल में ही गिरा आए हैं, तो ये मेरा ख्वाब अधूरा रह गया। और ये तेल जो आप देख रहे हैं ना, ये शुद्ध सरसों का तेल है, घर का बनवाया हुआ, तो ये वाला तेल मम्मी आँख में डालती हैं, बहुत फ़ायदा करता है, वैसे तो बहुत लगता है लेकिन जब फ्रिज में रख दो ना तो ये तेल ठंडा हो जाता है, फिर आँख में डालो तो लगता नहीं है, तो मम्मी अपने लिए रखी है इसको, अभी मैं सोच रही हूँ ना किसी डिब्बे में रख दूँ। मैं आप सबसे पूछ रही थी कि आप सबके यहाँ भी लाइट की इसी तरह की प्रॉब्लम चल रही है क्या, अगर हो तो कमेंट करके बताइए। और मैं पहले सोच रही थी ना कि पूरी प्लेट वेट निकाल के अच्छे से क्लीन कर दें फ्रिज को, लेकिन फिर मुझे लगा कि लाइट अगर अभी चली गई ना तो फिर रात तक लाइट नहीं आती, शायद 10 बज जाएँ या 10:30 बज जाएँ, तो फिर तब तक पूरी फ्रिज गर्म पड़ी रहेगी, तो अभी क्या मैंने गीला कपड़ा करके ऐसे ही प्लेट को पोंछ दिया है। और मम्मी काफ़ी टाइम से कह रही हैं कि दो प्लेट खाली कर दो साफ़ सुथरा सामान रखने के लिए, और जो जूठा उठा रखना है कहीं सबसे नीचे रखा करो, ताकि ऊपर घी मक्खन मलाई ये सब निकलता है ना तो फिर एक प्लेट पर नहीं आता है,
और मैं सच बताऊँ ना, फ्रिज में जो दाल सब्जी रख दी जाती है ना, मुझे उसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं कैसा उसका स्वाद अजीब सा हो जाता है। पहले खाना गर्म होता है, फिर उसको फ्रिज में रखो वो एकदम ठंडा हो जाता है, फिर निकालो फिर उसको हल्का सा गुनगुना करो, तो कुल मिला के टेस्ट तो ख़राब होता ही है, साथ में जो खाने के तत्व हैं ना वो भी सारे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन मजबूरी है, थोड़ा बहुत बचता है तो फिर उसे रखना पड़ता है। तो यहाँ पे उधर साइड का तो पूरा साफ़ ही कर दिए, साथ में मैं इधर भी सेट कर रही हूँ। और कुछ सामान ऐसे होते हैं ना जिसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो वो भी सारा मैं फ्रिज में रखती हूँ। बेसन है, मैदा है, सूजी है, ये सारी चीज़ें मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। और बोतल सिर्फ मैंने दो लगाई है, मतलब ठंडा पानी कोई यूज़ नहीं करता है। ये दो बोतल इसलिए लगाते हैं ना क्योंकि कभी कभी बाहर से कुछ लोग आते हैं ना तो कहते हैं ठंडा पानी लाओ, तो मेरे घर में फ्रिज होते हुए भी ठंडा पानी नहीं मिलता, तो इस वजह से मैं दो बोतल लगा देती हूँ। इसका पूरा फ़ायदा सम्राट और विराट जम के उठाते हैं, ठंडा पानी तो पीते ही हैं, साथ में ये जो फ्रिज में रखी रहती है ना बर्फ वाली प्लेट, इसमें से बर्फ निकाल के भी खाते रहते हैं। और ये देखिए फ्रीजर में मैं हमेशा दो बाउल में पानी भर के रखती हूँ ताकि बर्फ़ जमी रहे, कभी ज़रूरत हो तो फिर ये ना लगे कि बर्फ़ नहीं है। और छोटी वाली प्लेट से तो हमेशा बर्फ़ गायब रहती है, तो उसका कुछ भरोसा नहीं है। तो यहाँ पे पूरी फ्रिज हो गई है क्लीन और मैंने बटन ऑन कर दिया, अब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। और बस वीडियो को यहीं पेंड कर रहे हैं। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।